गोखले जी से मिलने गए अपने एक मित्र श्री कृष्ण प्रसाद के साथ। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना अभी कुछ ही दिन पहले हुई थी। गोखले जी को उस काम के लिए हर जगह कुछ होनहार अच्छे युवकों की तलाश थी। उन्हें ये जानकारी परमेश्वर जी से मिल गई थी कि ये बड़े शानदार विद्यार्थी हैं। वकालत उन दोनों कुछ ऐसा पेशा बन गया था जो प्रतिष्ठा और पैसा एक साथ देने लगा था। इस धंधे में हम कह सकते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी जुड़वां बहनों की तरह आ मिलती थी। कोई डेढ़ घंटे उनकी ये मुलाकात चली थी गोखले साहब की और राजेन बाबू की। ये पहली मुलाकात थी। आखिर में राजेन बाबू से चलते चलते गोखले जी ने कहा कि हो सकता है तुम्हारी वकालत खूब चल निकले, बहुत रुपया तुम पैदा कर सको, बहुत आराम और ऐश इशरत के दिन बिताओ, बड़ी कोठी घोड़ा गाड़ी इत्यादि दिखावट का सामान सब जुट जाए, और चूंकि तुम तो पढ़ने में बहुत अच्छे हो इसलिए तुम पर यह दावा और भी अधिक है। फिर गोखले जी थोड़ा रुक गए थे। वो जो कुछ क्षण सन्नाटे के थे उन क्षणों ने भी राजेंद्र बाबू के मन में पता नहीं क्या क्या कहा होगा, कितनी उथल पुथल पैदा की होगी। फिर गोखले जी बोलने लगे, मेरे सामने भी यही सवाल आया था ऐसी ही उम्र में। मैं भी एक साधारण गरीब घर का बेटा था। घर के लोगों को मुझसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं। उन्हें लगता था कि मैं पढ़कर तैयार हो जाऊंगा, रुपए कमाऊंगा और सबको सुखी बना दूंगा, पर मैंने उन सबकी आशाओं पे पानी फेर कर देश सेवा का व्रत लिया। मेरे भाई इतने दुखी हुए कि कुछ दिनों तक वे मुझसे बोले तक नहीं। हो सकता है यही सब तुम्हारे साथ भी हो, पर विश्वास रखना कि सब लोग अंत में तुम्हारी पूजा करने लगेंगे। श्री गोखले के मुख से मानो एक आकाशवाणी सी हुई थी। बात का किस्सा बहुत लंबी है। राजन बाबू के मन में कई दिनों तक चले संघर्ष की कहानी और घर में मचे कोहराम की, रोने धोने की, बेटे के अचानक साधु बन जाने की आशंका की। यह घटना नहीं होती तो आज आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के निमित्त आदरणीय राजन बाबू की पावन स्मृति में उनको प्रणाम करने का सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिल पाता। इस किस्से से ऐसा ना मान ले हम लोग कि राजन बाबू अगले दिन ही सब कुछ छोड़कर देश सेवा में उतर गए थे। श्री गोखले खुद बड़े उदार थे। उन्होंने उसी दिन उनसे कहा था कि ठीक इसी समय मुझे तुमसे उत्तर की कोई उम्मीद नहीं है। उत्तर देना जरूरी नहीं है, सवाल गहरा है, एक बार फिर और मिलेंगे तब अपनी राय बताना। अगले 10-12 दिनों का वर्णन नहीं किया जा सकता। राजेंद्र बाबू के साथ उनके भाई रहते थे। भाई उनके व्यवहार में आ रहे बदलाव को देख रहे थे। अगले दिन से राजेंद्र बाबू ने कोर्ट जाना बंद कर दिया था। न वे ठीक से खाते पीते, न किसी से मिलते जुलते। फिर एक दिन हिम्मत जुटाई राजेंद्र बाबू ने, एक बड़ा पत्र, काफी बड़ा पत्र भाई के नाम लिखा और घर छोड़ने की आज्ञा मांगी। पत्र तो लिख दिया पर उसको सीधे भाई के हाथ में देते भी नहीं बना। सो एक शाम जब भाई बाहर टहलने के लिए निकल गए थे तब उसे उनके बिस्तर पे रखकर राजेंद्र बाबू खुद बाहर टहलने निकल गए। भाई ने लौटकर पत्र देखा और अब वो खुद राजेंद्र बाबू को तलाशने के लिए घर से बाहर निकले। फिर लगा कि कलकत्ता से गाँव जाना चाहिए, वहां माँ चाची और बहन को सब कुछ बताना चाहिए। राजेंद्र बाबू को अब लगने लगा था कि देश प्रेम और घर प्रेम में घर का वजन ज्यादा है, वे इतनी आसानी से इस प्रेम बंधन को काट नहीं पाएंगे। गोखले जी अभी वहीं कलकत्ता में थे इसलिए राजेंद्र बाबू एक बार और उनसे भेंट करने गए। सारी परिस्थिति उन्होंने बहुत संकोच के साथ बताई। गोखले जी ने भी उन्हें देश सेवा के लिए पाने की आशा छोड़ दी थी। गाँव का किस्सा तो और भी विचित्र है। चारों तरफ रोना धोना, बच्ची खुची हिम्मत भी राजेंद्र बाबू की टूट गई देश सेवा के लिए जाने के लिए। जैसे थे वैसे ही फिर से बन गए। फिर से लगा कि पुरानी जिंदगी पटरी पर वापस आने लगी है। पर उस दिन तो आकाशवाणी हुई थी, उसका क्या होता, वो कैसे झूठी पड़ जाती। यही वकालत उन्हें आने वाले दिनों में कोई 5-6 बरस बाद चंपारण ले गई। वहां उन पर उनके जीवन पर नील का रंग चढ़ा। नील का रंग यानी गांधी जी के चंपारण आंदोलन का रंग, और ये रंग इतना चोखा था कि फिर वो कभी उतर नहीं पाया। गांधी रंग में रंगे राजेंद्र बाबू फिर बिना किसी पद की इच्छा के देश भर घूमते रहे और सार्वजनिक जीवन में जितनी भी तरह की समस्याएं आती हैं उनके हल के लिए अपने पूरे मन के साथ तन अर्पित करते रहे, और जहां जरूरत पड़ी वकालत से जो थोड़ा बहुत धन कमाया था उसको बांटते भी रहे। उन समस्याओं की, उन विषयों की गिनती गिनाना बड़ा कठिन काम होगा। आज तो हम उन लंबी सूची में से दो विषयों को, दो समस्याओं को सामने लेंगे और उन पर कुछ बात करेंगे। ये है बाढ़ और अकाल।
पानी के स्वभाव के ये दो छोर हैं, एक में बाढ़ में चारों तरफ पानी ही पानी है और दूसरे में अकाल में हर कहीं पानी का अभाव ही अभाव। राजेन बाबू ने इनमें से जो भी समस्या सामने आई, बाकी हाथ के सब काम कौन मानकर सबसे पहले इन्हीं पर ध्यान दिया। लेकिन इसके विस्तार में जाने से पहले हम जरा आज का संदर्भ भी दोहरा लें। आए दिन हम देखते हैं कि किसी को किसी राजनीतिक दल ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया तो उसने गुस्से में आके वो दल ही छोड़ दिया। किसी ने निराश होकर आत्महत्या कर ली, ऐसी भी खबरें पिछले दिनों छपी हैं। तो किसी ने अपने दल की ऐसी बखिया उधेड़ दी, उसके इतने सारे अवगुण गिना डाले कि सुनने पढ़ने वालों को अचरज होने लगे कि ये अब तक उस दमघोटू संसार में रहते कैसे थे। इसके पीछे एक धारणा बन गई है कि मुझे कोई पद नहीं मिलेगा तो देश की सेवा नहीं हो पाएगी मुझसे। इस विचित्र धारणा को पालने पोसने और आगे बढ़ाने में सारे दल, उनके सदस्य, धर्म, लिंग, जाति, अगड़े पिछड़े सभी में गजब की सहमति दिखती है। और चीजों में असहमति होगी, इसमें बिल्कुल सहमति। ऐसे में हमें राजेन बाबू के कुछ विचार एक बार आज फिर से दोहरा लेने चाहिए। यह प्रसंग आज से कोई 93 बरस पहले का है। अवसर था काउंसिल और असेंबली के चुनाव का। छोटी छोटी बातों पर तबके बड़े बड़े नामों तक में सिर्फ मतभेद ही नहीं, मनभेद के भी बहुत ही कड़वे किस्से सामने आने लगे थे। क्या ऐसी ही कमजोर नींव पर आजादी के बाद की दलगत राजनीति का महल नहीं बन रहा था? राजेन बाबू ने उस समय अपना मन मजबूत कर देश नाम के एक अखबार में एक लेख लिखा था। लेख बहुत लंबा था। उसे उन्हीं के साथियों ने तब बिल्कुल पसंद नहीं किया। राजेन बाबू के शब्दों को यहाँ दोहरा लेना चाहिए। जब देश के स्थान पर हम किसी जाति विशेष अथवा धर्म विशेष अथवा दल विशेष को बिठाना चाहते हैं, तब इस तरह की लड़ाई हुए बिना नहीं रह सकती। वे आगे लिखते हैं, देश सेवकों के लिए एक ही रास्ता है कि कम से कम तब तक जब तक पूर्ण रूपेण देश स्वतंत्र न हो जाए, वे किसी स्थान पद अथवा प्रतिष्ठान के लिए लालायित न हो और केवल सेवा को ही ध्येय बनाकर काम करते जाएं। इस लेख में वे फिर आगे लिखते हैं कि मैं इसको प्रवंचना मात्र मानता हूँ। जब कोई यह सोचता है या कहता है कि सेवा करने के लिए उसे किसी पद विशेष की आवश्यकता है और उस पद के बिना वह सेवा नहीं कर सकता। इस ऐतिहासिक लेख के अंत में वे कहते हैं, सेवक के लिए हमेशा जगह खाली पड़ी रहती है। उम्मीदवारों की भीड़ सेवा के लिए नहीं हुआ करती, भीड़ तो सेवा के फल के बंटवारे के लिए लगा करती है। जिसका ध्येय केवल सेवा है, सेवा का फल नहीं, उसको इस धक्का मुक्की में जाने की और इस होड़ में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जमीन में ये सब हो रहा था उनके अगल बगल, और उधर आसमान से भी एक भयानक विपत्ति उतर आने वाली थी। अश्विन के महीने में बिहार के छपरा जिले में एक दिन में ऐसी घनघोर बरसात हुई, उस समय के आंकड़े बताते हैं 24 घंटों में लगभग 36 इंच वर्षा हुई। आज की भाषा में कहें तो एक नहीं कई बादल एक साथ पड़ गए छपरा के ऊपर। नतीजा यह हुआ कि पूरा जिला भयानक बाढ़ में डूब गया। वहां के सरकारी कर्मचारियों ने लोगों की इस मुसीबत में बहुत ही उदासीनता और उपेक्षा का भाव दिखाया। तब आज की तरह ढेर सारे अखबार, ढेर सारे टेलीविजन चैनल तो थे नहीं, पर जो भी थोड़े बहुत अखबार छपते थे सभी ने यह बात लिखी कि जब लोग घर, गांव, खेत, मवेशी पानी में डूब रहे थे, त्राही त्राही पुकार रहे थे, ऐसे में भी कुछ सरकारी अधिकारी कर्मचारी नाव में चढ़कर बाढ़ के पानी में झिरझिरी का खेल खेल रहे थे। झिरझिरी उस इलाके का एक खेल है, लुका छिपी का खेल। तो अधिकारी नाव में लुका छिपी खेल रहे थे जब लोग डूब रहे थे। डूबते लोगों को, यहाँ तक कि स्त्रियों और बच्चों को भी बचाने में इनमें से किसी ने कोई मदद नहीं की। लोग डूबते रहे, प्रशासन लुका छिपी का खेल खेलता रहा। ऐसी भयंकर परिस्थिति में एक अंग्रेज न्यायाधीश और एक भारतीय उप न्यायाधीश ने खूब मदद की लोगों की। राजेन बाबू जैसे शालीन व्यक्ति अपनी आत्मकथा में उस दिन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कलेक्टर और पुलिस के अफसर और डिप्टी मजिस्ट्रेट टस से मस नहीं हुए। सरकार के ऐसे घृणित व्यवहार को लेकर अगले दिन बाढ़ के पानी के बीच में छपरा में एक विशाल सभा आयोजित हुई और उसमें सरकार की खुलेआम निंदा की गई। साथ ही मदद देने के लिए जो लोग आए उनकी खूब प्रशंसा हुई और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई। देहातों का हाल तो और भी बुरा था, ये तो शहर की बात हुई। उन दिनों छपरा से मशरक तक जाने वाली रेल लाइन के कारण बाढ़ का सारा पानी आगे बहने के बदले उस रेल लाइन की
रुकावट के कारण एक बड़े भाग में फैल गया और पीछे से आने वाली विशाल धारा उसका स्तर लगातार उठाई जा रही थी। लोगों को इससे बचने का एक ही रास्ता दिखा कि रेलवे लाइन काट देना, उसको तोड़ देना और चढ़ते पानी को आगे के भूभाग में फैलने देना ताकि यहाँ कुछ सांस ली जा सके। पर कलेक्टर ने उनकी एक न सुनी और तो और ऐसी तबाही मचा रही अन्य रेल लाइनों पर कलेक्टर ने सशस्त्र पहरा बिठा दिया कि कहीं कोई उनको तोड़ने ना आए। सिवान के पास एक ऐसी ही जगह बहुत पानी जमा हो गया था। गांव वालों ने जब खुद ही रेलवे लाइन काटने का फैसला लिया कि प्रशासन तो इसको तोड़ नहीं रहा था, हम तोड़े तो बाढ़ से बचेंगे, तो उनके सामने सशस्त्र पुलिस आके खड़ी हो गई और उनकी हिम्मत नहीं हुई। राजेंद्र बाबू इस बाढ़ का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि कष्ट सहते गए लोग, पर जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो दो चार लोग कंधे पर कुदाल रखकर बाढ़ के पानी में तैरते हुए रेल लाइन की तरफ बढ़े। पुलिस ने उनको देखा और धमकाया। उन्होंने जवाब दिया कि पानी में डूबकर तो हम सब मर ही रहे हैं और तुम लाइन काटने नहीं देते भाई। अब तक हमने बर्दाश्त किया, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मरना दोनों हालत में है, डूब कर मरे या तुम्हारी गोली खाकर मरे। इसलिए हमने निश्चय किया है कि गोली खाकर मरना बेहतर है। हम लाइन काटेंगे, तुम गोली चलाओ। तेज बहते पानी में ये बहादुर लोग तैरते हुए मजबूत बांध की तरह उठी उस रेलवे लाइन तक अपने दृढ़ निश्चय से कुदाल चलाते गए। पुलिस की हिम्मत नहीं हुई गोली चलाने की। लाइन अभी थोड़ी सी ही कट पाई थी कि पीछे भर रहे पानी की ताकत ने लोगों के संकल्प का साथ दिया और लाइन भड़ाक से टूट गई। विशाल बाढ़ का पानी उस भरी पूरी लाइन को एक तिनके की तरह न जाने कहां अपने साथ बहा के ले गया और पीछे के अनेक गांव बाढ़ में पूरी तरह से डूबने से बच गए। बाद में पुलिस वालों ने भी रिपोर्ट में लिखा कि बाढ़ के दबाव से ही रेल लाइन कटी है, लोगों ने इसको नहीं तोड़ा है। इस सारी विपत्ति में राजेंद्र बाबू और वे जिस दल से जुड़े थे उनके अनगिनत कार्यकर्ताओं ने दिन रात काम किया। छपरा की उस बाढ़ में किसी बड़े अधिकारी के पास कुछ लोग शिकायत लेके पहुंचे तो उस अधिकारी ने यहाँ तक कह दिया कि ये सारी शिकायतें लेके मेरे पास क्यों आए हो, जाओ जाओ गांधी के पास जाओ। और यहाँ गांधी का मतलब राजेंद्र बाबू से था। इन सब दुखद प्रसंगों में राजेंद्र बाबू ने देखा कि बाढ़ और साथ ही अकाल अकेले नहीं आते। इनसे पहले समाज में ऐसा बहुत कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। यह सब कभी धीरे धीरे होता है तो कभी बड़ी तेजी से हो जाता है। गति जो भी हो, समाज के नीति निर्धारकों, संचालकों और नेतृत्व का ध्यान इन बातों की तरफ जा नहीं पाता और फिर बाढ़ या अकाल सामने खड़ा हो जाता है। बुरे कामों की बाढ़ आ जाती है। बिना पानी का स्वभाव समझे विकास के नाम पर कई तरह के काम होने लगते हैं। ये किसी एक कालखंड की बात नहीं है, दुर्भाग्य से सब समय ऐसी गलतियां दोहराई जाती रहती हैं। आज भी हम उससे बच नहीं पाते। तो एक तरफ प्रकृति पर्यावरण के खिलाफ ले जाने वाले कामों की बाढ़ आ जाती है और दूसरी तरफ अच्छे कामों का अकाल पड़ने लगता है, अच्छे विचारों का भी अकाल पड़ने लगता है। राजेंद्र बाबू के जमाने में उन इलाकों में अंग्रेजों की व्यापारिक नीतियां कहें या अनीतियां कहें, उनके कारण बड़ी तेजी से रेलवे लाइनें बिछाई गई थीं। रेलवे लाइन उनके व्यापार और शासन के लिए भी बड़ी खास चीज बन गई थी, इसलिए उसे आसपास की जमीन से बहुत ऊंचा उठाकर रखना जरूरी था। आज लोग इस बात को भूल गए हैं कि कभी हमारे देश में फैला रेल व्यवस्था का यह जाल अंग्रेजी सरकार के हाथ में नहीं था, वो निजी अंग्रेजी कंपनियों की जेब में था। रेलगाड़ियां प्राइवेट थीं कंपनियों की। राजेंद्र बाबू अपनी आत्मकथा में इस दुखद प्रसंग में लिखते हैं कि रेल लाइनों के कारण बाढ़ की भयंकरता बढ़ जाती है। अपने सूबे में पिछले 30 वर्षों में जितनी बड़ी और भयंकर बाढ़ें आई हैं, सबका मुझे काफी अनुभव है। मेरा यह दृढ़ विचार है कि रेलवे लाइन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और दूसरी ऊंची सड़कें बाढ़ के कारणों में से प्रमुख हैं। यदि इनमें जगह जगह काफी संख्या में चौड़े पुल बने रहते तो हालत ऐसी नहीं होती। पर यहाँ तो रेल की कंपनियों के मुनाफे पर ही अधिक ध्यान रखा जाता था, उनको पुल बनवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। लाइन काटना तो दूर की बात है। एक कंपनी का नाम था BNW। BNW रेलवे ने इस मामले में बहुत कंजूसीपन दिखाया है, ऐसा राजेंद्र बाबू लिखते हैं। यद्यपि अब उसमें कुछ जगह पुल बन गए हैं, तथापि अब भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पुल की जरूरत है। उसने जो पुल बनाए हैं वे जनता का कष्ट दूर रखने के ख्याल से नहीं, अपने मुनाफे के ख्याल से, क्योंकि जब तक केवल जनता के कष्ट की बात रही एक नहीं सुनी गई।
पर जब प्रकृति ने लाइन को इस तरह तोड़ा कि बाढ़ के कारण महीनों रेल का चलना बंद हो गया तो इन कंपनियों को मजबूरी में कई नए पुल बनाने पड़े। सन 1937 तक आते आते तो उस बड़े भूभाग की हालत ऐसी हो गई थी कि बिहार के राज्यपाल ने उस वर्ष बाढ़ की समस्या को लेकर पटना में एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया था। इसमें राजेंद्र बाबू को भी भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। खुद राज्यपाल ने अपने मुख्य भाषण में बाढ़ के आने के जो कारण बताए जाते हैं, प्रकृति के विरुद्ध जाने के जो अनेक बुरे काम किए जाते हैं, उन सब का वर्णन करते हुए श्रोताओं से माफी तक मांग ली थी और कहा था कि उनके भाषण का एक बड़ा हिस्सा सकारात्मक होने के बदले काफी कुछ नकारात्मक हो गया है, ऐसा गवर्नर ने कहा था। राजेंद्र बाबू अचानक अस्वस्थ हो गए थे, इसलिए वे उस सम्मेलन में भाग नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने इस विषय पर एक बड़ी टिप्पणी लिखकर भेजी थी। सम्मेलन में उसे उस दिन श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा जी ने पढ़कर सुनाया था। वर्षा तो हर साल होती है पूरे देश में, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। इन सब विभिन्न जगहों में रहने वाले समाज ने अपने वर्षों के अनुभव से इस कम ज्यादा वर्षा के साथ अपना जीवन कैसे ढालना है उसको ठीक से सीख लिया था। एक तरफ तो है जैसलमेर, जहां वर्षा का आंकड़ा इंचों में बात करें तो वर्ष भर में 6 इंच से ऊपर नहीं जाता, 6 इंच यानी नए आंकड़ों में 16 सेंटीमीटर। तो दूसरी तरफ हमने देखा अभी कि छपरा में मात्र एक दिन में 36 इंच वर्षा हो गई थी। फिर उत्तर पूर्व में हमारे एक प्रदेश का नाम तो मेघों का घर ही रखा गया है, मेघालय। इन सभी जगहों के समाजों ने पीढ़ियों के अनुभव से अपने आसपास के मौसम, धरती, हवा, पेड़ पौधे, वहाँ के पशुओं के साथ बड़े आत्मीय संबंध बना लिए थे। आज हम देखते हैं चारों तरफ हर राज्य में जल नीतियां बनाई जाने लगी हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, समाज अपना एक जल दर्शन बना लेता था और उसे कागज पर न छाप कर लोगों के मन में उकेर देता था। समाज के सदस्य उसे अपने जीवन की फिर रीत बना लेते थे, वो कानून नहीं होता था। समाज के सदस्य इस रीत पर चलते थे और इसको आसानी से टूटने नहीं देते थे। जल नीतियां आती जाती सरकारों के साथ बनती बिगड़ती रह सकती हैं, पर समाज का जल दर्शन नहीं बदलता, क्योंकि वो तो उस इलाके के हवा पानी को देखकर बनाया जाता है। इसी रीत से उस क्षेत्र विशेष की फसलें किसान समाज तय कर लेता था। समाज के ये सब अनुभव सिंचाई के साधन जुटाने के काम भी आते थे। किस इलाके में कितना पानी है, कैसी जमीन है, धान बोना है, गेहूं बोना है, मोठ बोना है, ऐसी फसलें लगाना है जो पानी की मांग कम करती हैं, कि ऐसी फसलें लगाना है जिनको ज्यादा पानी चाहिए तो हमें ज्यादा पानी मिलेगा कि नहीं, ये सारे निर्णय समाज अपने जल दर्शन के आधार पर लेता था। पर आजकल तो हम देखते हैं कि सभी जगह धान लगता है, सभी जगह जीरा बोया जाता है, गन्ना बोया जाता है, ये सारी चीजें नई आई हैं। अभी हमने जैसे बिहार के संदर्भ में देखा कि अंग्रेजों ने बिना उस इलाके को समझे रेल की पटरियां खूब ऊंची उठाकर बिछा दी और गंगा और अन्य नदियों के विशाल मैदान को जगह जगह रोक लिया। उस बड़े भूभाग में पानी की बेरोक टोक आवक के लिए उसने समुचित प्रबंध सोचा ही नहीं, उसे करने की बात तो दूर। रेल लाइन में कितने अंतर पर बड़ी बड़ी पुलियां बननी चाहिए इस पर कभी ध्यान नहीं गया उस दौर में। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा खींचकर काम किया गया और बाद में तो पता चला कि यह तो उनकी अपनी भाषा अंग्रेजी की कहावत की तरह परिणाम दे रहा है। कहावत है पेनी वाइज पाउंड फुलिश, 2 पैसा बचाने की होशियारी में उस समय की सरकारों ने भी अनेकों रुपये गंवाए थे बाढ़ के कारण। जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे तो हमारे देश में कोई सिंचाई विभाग नहीं था, कोई इंजीनियर नहीं था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक नहीं थी, वैसे शिक्षा देने वाला कोई विद्यालय महाविद्यालय नहीं था, सिंचाई की शिक्षा नहीं थी, लेकिन सिंचाई का शिक्षण था। और सिंचाई का जो शिक्षण है उसे समाज अपने मन में संजो कर रखता था और उस शिक्षण को अपनी जमीन पर उतारता था। जब अंग्रेज यहाँ आए हैं, एक बार फिर दोहरा लें, तब हमारे यहाँ एक भी सिविल इंजीनियर नहीं था, ये शब्द ही नहीं था। पर सचमुच कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पश्चिम से पूरब तक कोई 25 लाख छोटे बड़े तालाब थे। इनमें से ज्यादा संख्या में जमीन का स्वभाव देखकर अनगिनत कुएं भी बनाए गए थे। वर्षा का पानी तालाबों में कैसे जाएगा, किस तरह के क्षेत्र से जाएगा, कहां कहां से बहता जाएगा, उस जगह को क्या कहेंगे, ऐसे आगोर वगरों की जानकारी अनुभवी आंखों से नाप ली जाती थी। फिर यह पानी साल भर कैसे पीने का पानी जुटाएगा समाज के लिए,
किस तरह से फसलों को प्राण देगा, इस सब की बारीक योजना कहीं सैकड़ों मील दूर बैठकर लोग नहीं बनाते थे। वहीं बसे लोग उस क्षेत्र में अपना बसना सार्थक करके इन योजनाओं पर काम करते थे। ये परंपरा आज भी पूरी तरह से टूटी नहीं है, हाँ उसकी प्रतिष्ठा जरूर गिर गई है हमारे नए पढ़े लिखे समाज के मन में। आज आपको यह जानकर अचरज होगा कि हमारे देश की तकनीकी शिक्षा, सिविल इंजीनियरिंग की सारी आधुनिक शिक्षा की नींव में ये अनपढ़ माने गए लोग ही हैं। बहुत कम लोगों को आज ये जानकारी होगी कि हमारे देश में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बना और कब खुला। इसे संक्षेप में एक बार दोहरा लेना चाहिए। देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था हरिद्वार के पास रुड़की नाम के एक छोटे से गांव में। बड़ा शहर नहीं था कोई, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता इन सब से अंग्रेज परिचित थे, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज एक छोटे से गांव में खोला गया। और सन था आश्चर्यजनक 1847, गदर से 10 बरस पहले। तब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, ब्रिटानिया सरकार भी नहीं आई थी तब तक। कंपनी का घोषित लक्ष्य देश में व्यापार था, प्रशासन या लोक कल्याण नहीं। व्यापार तो एक शब्द है, कंपनी तो लूटने के लिए बनी थी। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी देश में उच्च शिक्षा के या किसी तरह की तकनीकी शिक्षा के झंडे गाड़ेगी ऐसा उससे मानना ठीक नहीं था। किस्सा लंबा है, उसे यहाँ पूरा बताना जरूरी नहीं, पर इतना तो कहा जा सकता है कि उस दौर में आज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक भाग भयानक अकाल से गुजर रहा था। अकाल का कारण वर्षा का कम होना तो था ही, पर अच्छे कामों और अच्छे विचारों का अकाल भी वहां पहले आ चुका था कंपनी के कारण और कंपनी की अनीतियों के कारण। सौभाग्य से उस क्षेत्र में, तब उसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस कहा जाता था, एक बहुत ही सहृदय अंग्रेज अधिकारी काम कर रहे थे। ऊंचे पद पर थे वे, वहां के उपराज्यपाल थे। नाम था उनका श्री जेम्स थॉम्पसन। लोगों को अकाल में मरते देख उनसे रहा नहीं गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों को एक पत्र लिखकर उन्होंने इस क्षेत्र में एक बड़ी नहर बनाने का प्रस्ताव रखा। ऊपर से उस पत्र का जवाब तक नहीं आया, पत्र के मिलने की सूचना पहुंच तक नहीं आई। थॉम्पसन साहब ने फिर से दोबारा एक पत्र लिखा, इस बार भी वही हुआ, कोई जवाब नहीं। तब जेम्स थॉम्पसन ने तीसरे पत्र में अपनी योजना में पानी और अकाल, लोगों के कष्ट के बदले व्यापार की मुनाफे की चमक डाली थोड़ी सी। उन्होंने हिसाब लिख कर दिखाया कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी इतने रुपए लगाएगी तो उसको इतने दिनों में सिंचाई करके रूप में इतना पैसा ज्यादा वापस मिल जाएगा। इस तीसरी चिट्ठी को पढ़ के ईस्ट इंडिया कंपनी की आंखों में चमक आई, मुनाफा मिलेगा तो ठीक बनाओ, पर तब सवाल उठा कि इस नहर को बनाएगा कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी में तो कोई इंजीनियर नहीं है कंपनी के पास। थॉम्पसन ने कंपनी को फिर से आश्वस्त किया कि यहाँ गाँव के लोग इसे बना लेंगे, कोई ऐरी गहरी छोटी मोटी योजना नहीं थी। हरिद्वार के पास से गंगा से एक नहर निकालकर उसको 200 किलोमीटर तक लाना था, पूरा उसका ढाल, पानी का बहाव, लंबाई चौड़ाई ये सब देखना था। ये सिर्फ उस समय अपने देश की पहली बड़ी सिंचाई योजना नहीं थी, दुनिया के कई अन्य देशों में भी उस समय तक ऐसा बड़ा काम सिंचाई का कभी नहीं हुआ था। विस्तृत योजना का विस्तार से वर्णन यहाँ नहीं करना है, बस इतना ही बताना है कि वह योजना खूब अच्छे ढंग से पूरी हुई। तब थॉम्पसन ने कंपनी से इस योजना की सफलता को देखते हुए उस क्षेत्र में इसी नहर के किनारे रुड़की गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी रखा। इसे भी मान लिया गया क्योंकि थॉम्पसन ने इस प्रस्ताव में भी बड़ी कुशलता से एक वाक्य डाला था और कंपनी को याद दिलाया था कि आने वाले दौर में आपके साम्राज्य का अगर विस्तार करना है तो ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले लोग आपके बड़े काम के होंगे। ये था सन 1847 में बना देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। थोड़ा आगे चलें, देश का नहीं एशिया का भी ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। इस विषय को पढ़ाने वाला और आगे बढ़े तो ये बताने लायक भी तथ्य है कि इंग्लैंड में भी उस समय इस दर्जे का कोई कॉलेज नहीं था और एक समय रुड़की के इस कॉलेज में इंग्लैंड से भी छात्रों का एक दल विदेश भेजा गया था इंजीनियरिंग पढ़ने, विदेश यानी भारत। तो इस कॉलेज की नींव में हमारा अनपढ़ बता दिया गया समाज मजबूती से सिर उठाए खड़ा है। वह तब भी नहीं दिखा था अन्य लोगों को और आज तो हम उसे पिछड़ा बताकर उसके विकास की बहुविध कोशिश में लगे हैं। इस प्रसंग के अंत में यह बता देना भी चाहिए कि 1847 में कॉलेज खुलने से पहले वहां बनी वह लंबी नहर आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों में गंगा का पानी सिंचाई के लिए वितरित करती जा रही है। आज रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को शासन ने ऊंचा दर्जा देकर उसे IIT रुड़की भी बना दिया है। कॉलेज का दर्जा तो उठ गया,
दुर्भाग्य से कॉलेज जिन लोगों के कारण बना, जिनके कारण वह विशाल सिंचाई योजना जमीन पर उतरी, उन लोगों ने अंग्रेजों के आने से पहले जिन लोगों ने देश के मैदानी भागों में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में, देश के तटवर्ती प्रदेशों में जल दर्शन का सुंदर आयोजन किया था, सुंदर संयोजन किया था, वे लोग आज भी कहीं पीछे फेंक दिए गए हैं। देश ने कई मामलों में खूब उन्नति की है, इसमें शक नहीं, लेकिन बेशक इतना तो जोड़ना ही पड़ेगा कि इसी दौर में देश में सबसे सस्ती कार बिकने आई और शायद इसी दौर में सबसे महंगी दाल भी बिकी अरहर की, और इसी दौर में देश के आधे भाग में भयंकर अकाल भी पड़ा है। पानी तो गिरता ही है, कभी कम कभी ज्यादा। औसत का एक आंकड़ा हमने पिछले 150 सालों में भले ही सीख लिया हो, ये बहुत काम नहीं आता। गणित के दम पर, आंकड़ों के दम पर जीवन नहीं चल पाता। आधुनिक बांधों से भी अकाल दूर हो गए हों, आज भी ऐसा पक्के तौर पर हम नहीं कह सकते। पंजाब, हरियाणा में, देश के अन्य भागों में, महाराष्ट्र में भी भयानक अकाल पड़ा है, और इन राज्यों में बांधों की कोई कमी नहीं है। इसलिए बड़े बांधों से बंद जाना ठीक नहीं। उन बांधों में भी पानी तो तभी भरेगा जब ठीक से वर्षा होगी, पर प्रकृति ठीक ठाक वर्षा करती है। वो माँ है हमारी, डेयरी की मशीन नहीं कि जितने टोकन डालो ठीक उतना पानी गिरा देगी। कभी छपरा में 10 इंच गिरेगा, कभी 36 इंच गिरेगा। एक तरफ हम बड़े बांधों से बंद से गए, और दूसरी तरफ जो नई तकनीक आई उसने भूजल को बाहर उलीच लेने के कई नए साधन खोज निकाले। शहरों गांवों में छलनी की तरह छेद कर डाले हमने, और सचमुच मिट्टी के विशाल गुल्लक में पड़ी इस विशाल जल राशि को ऊपर खींच कर फेंक दिया, उसमें डाला कुछ नहीं। इस तरह यह धरती की गुल्लक खाली हो चली है। भूजल भंडार में आई गिरावट को बताने के लिए यूं तो जिलावार प्रदेशवार आंकड़े भी दिए जा सकते हैं, पर जब जीवन का प्राणदायी रस ही निचुड़ता जा रहा हो तो नीरस आंकड़े नया और क्या बता पाएंगे हमें। फिर भी बिना किसी कटुता के यह तो कहा ही जा सकता है कि इस दौर में हमारी राजनीति ज्यादा गिरी है या भूजल गिरा है, ये तय कर पाना बड़ा कठिन काम है। इन दोनों का स्तर ऊपर उठाने के लिए हमें खुद थोड़ा थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से एक नया शब्द हमारे बीच में आया है, जन भागीदारी। जैसा अक्सर होता है, ऐसे शब्द पहले अंग्रेजी में आते हैं, फिर हम बिना ज्यादा सोचे समझे उसका अपनी भाषा में अनुवाद कर लेते हैं। पर जब ये शब्द नहीं था, ये नकली शब्द नहीं था, तब हमारे समाज में पानी के मामले में गजब की भागीदारी थी। उस जन भागीदारी में सचमुच तीन भूमिकाएं होती थी। लोग खुद अपने गाँव में, शहर में पानी की योजना बनाते थे, ये हुई पहली भूमिका। फिर उस योजना को अमल में उतारते थे, तालाब, नहर, कुएं आदि बनाते थे अपने खर्च से, अपने साधनों से, ये हुई दूसरी भूमिका। और तीसरी भूमिका में इन बन चुकी योजनाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी भी समाज खुद उठाता था, जनता खुद उठाती थी, वो भी कोई दो चार बरस के लिए नहीं, दो चार दस पीढ़ियों के लिए उसकी रखवाली की जाती थी, उसे अपना काम मन के किया जाता था, ममत्व के साथ किया जाता था। ऐसे में कहीं कहीं समाज राज की भागीदारी भी कबूल कर लेता था। हम जन भागीदारी की बात करते हैं, उस समय राज की भी थोड़ी बहुत भागीदारी समाज को स्वीकार हो जाती थी। एक तरह से देखा जाए तो राज और समाज परस्पर तालमेल बिठाकर इन कामों को बड़ी सहजता से संपन्न करते थे। आज बहुत ही कम लोगों को इस बात का कुछ अंदाज बचा हो कि हमारे परिवारों के नामों में ऐसे चिन्ह मिलते हैं जो इन्हीं कामों से निकले थे। नहर की देखरेख करने वाले नेहरू थे। पहाड़ों में सिंचाई का एक ढांचा जिसको कूल कहते हैं, पहाड़ी नहर, उसको बनाने वाले कोहली थे। तो दूसरी तरफ पहाड़ के एक और हिस्से में इस व्यवस्था को गूल कहते हैं, उसको करने वाले गुलाटी थे। ये लोग कोई 5 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके नहीं निकलते थे, इनके खून में, इनकी नसों में 500 साल की पढ़ाई होती थी और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती थी। देश के इस कोने से उस कोने तक ऐसी अनेक जातियां, अनेक लोग थे जो गाँव और शहरों के लिए पानी का काम करते थे। इसमें अकाल, बाढ़, उसकी मार को कम करने का काम भी शामिल था, और ये सब काम सचमुच अपने मन से, तन से और धन से किया जाता था। जो काम उनके मन में उतर गया उसे वे अपने तन पर भी संजो कर रखते थे। देश के सभी भागों में शरीर पर गुदना गुदवाने की एक बड़ी परंपरा रही है। बीच में थोड़ी वो पिछड़ी साबित हुई, अभी फिर से यूरोप और अमेरिका के कारण वो आधुनिक हो गई है। इसमें शुभ चिन्ह, पशु पक्षी आदि तो चलन में थे ही, पर देश के कुछ भागों में एक विशेष चिन्ह बनाया जाता था, उसका नाम था सीता बावड़ी। सीधी सादी 8-10 रेखाओं से एक भव्य चित्र कलाई पर, यहाँ पर मेले ठेले में देखते देखते गोद दिया जाता था। इस तरह पानी का काम
मन से तन पर उतरता था और तन से श्रम के द्वारा जमीन पर उतरता था। लेकिन आज जमीन की कीमतें तो आसमान छू रही हैं। शहरों में भी और अनेक गांवों में भी एक के बाद एक तालाब पुरते जा रहे हैं, कचरे से पटते जा रहे हैं। नगर पालिकाएं ही उसमें कचरा डालने का काम शुरू कर देती हैं। जल संकट सामने है, फिर भी हम उसे पीठ दे रहे हैं। अपने तालाबों को, अपने जल स्रोतों को नष्ट कर देने के बाद ऐसे प्यासे शहरों के लिए दूर से, बहुत दूर से किसी और का सचमुच हक छीन कर बड़ी खर्चीली योजनाओं को बनाकर पानी लाना पड़ रहा है। पर हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, इंद्र देवता से इन शहरों ने ऐसी कोई अपील नहीं की है कि हमारा पीने का पानी तो महाराज अब 200 किलोमीटर दूर से आता है, तुम हमारे ऊपर पानी मत गिराओ, आप हम पर पानी ना बरसाएं, ऐसा हम कहते नहीं। पहले यह तालाब ही वर्षा के दिनों में शहरों पर गिरने वाले पानी को अपने में संजोकर समेटकर शहरों को बाढ़ से बचा लेते थे। तो पेयजल के लिए छोड़ ही दीजिए, वो तो कहीं से भी आ जाएगा पाइपलाइन से, लेकिन शहरों को अगर बाढ़ से बचाना है तो फिर से इन तालाबों को सामने लाना पड़ेगा। क्योंकि इंद्र का एक पुराना नाम है, एक विशेषण है या पर्यायवाची है, पुरंदर। पुरंदर याने पुर याने किलों को, शहरों को तोड़ने वाला देवता। ये नाम जब रखा गया होगा तो इसका ये अर्थ है कि इंद्र के समय भी खराब शहर बसते थे, शहरी नियोजन अच्छा नहीं होता था, उसमें कमियां आ जाती थी। ऐसे अव्यवस्थित शहरों को इंद्र अपने वर्षा के प्रहार से तोड़ देता था, बहा देता था। द्वारका तो याद किया ही जा सकता है, बहुत पहले का किस्सा है। दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, बेंगलुरु, जयपुर, हैदराबाद जैसे नए पुराने, अब थोड़े महंगे हो चले, आधुनिक हो चले, सभी शहरों में बारी बारी से पिछले दिनों ऐसी बाढ़ आई है जैसी बाढ़ उन जगहों में पहले कभी देखने नहीं मिलती थी। इसके अलावा हमारे देश में समुद्र तट की भी एक बहुत बड़ी रेखा है। पश्चिम में गुजरात के कच्छ से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक घूमते हुए ये रेखा बंगाल में सुंदरबन तक बड़ा भाग घूम लेती है। पश्चिमी तट पर बहुत कम लोगों को, लेकिन पूर्वी तट पर अब समुद्री तूफानों की संख्या और उनकी मारक क्षमता भी बढ़ती जा रही है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आए चक्रवात की पूर्व सूचना समय रहते मिल जाने से बचाव की तैयारियां बहुत अच्छी हुई, इस कारण बाकी नुकसान एक तरफ कीमती जाने बच गई थी। लेकिन चक्रवात के बाद कुछ ही दिनों बाद वहां बाढ़ आई, उसमें उससे ज्यादा लोग मारे गए। हमारे पूर्वी तटों पर समुद्री तूफान आते ही हैं, पर अब उनकी नुकसान करने की क्षमता बढ़ती जा रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, हमारे कुल तटीय प्रदेशों में उन विशेष वनों का लगातार कटते जाना, जिनके कारण ऐसे तूफान तट पर टकराने से पहले विध्वंस की अपनी ताकत काफी कुछ वहीं खो देते थे। जहां समुद्र और धरती का मिलन होता है, इस मिलन बिंदु पर हजारों वर्षों से एक उत्सव की तरह खड़े ये वन बहुत ही विशेष स्वभाव रखते हैं। दिन में दो बार ये वन खारे पानी में डूबते हैं और दो बार मीठे पानी में, जो पीछे से नदी लेकर आती है। मैदान और पहाड़ों में लगे पेड़ों से, वनों से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। वनस्पति का ऐसा दर्शन अन्य किसी स्थान पर संभव नहीं। ज्यादातर जगहों पर हमको पेड़ का तना और उसकी शाखाएं दिखती हैं, बहुत सुंदर पेड़ हैं मैदानों में, पहाड़ों में, लेकिन इस इलाके में इन पेड़ों की, वनों की जड़ें भी ऊपर रहती हैं। जड़ें अंधेरे में, मिट्टी के भीतर नहीं, प्रकाश में बिल्कुल ऊपर आपको दिखेंगी। जड़ें, तना और फिर शाखाएं, तीनों का एक साथ भव्य दर्शन कराने वाला ये वृक्ष और इसका भरा पूरा वन इतना सुंदर होता है कि इस प्रजाति का एक नाम हमारे देश में सुंदर, सुंदरी ही रख दिया गया था, उसी से बना है शब्द सुंदरबन। लेकिन आज दुर्भाग्य से हमारा पढ़ा लिखा संसार, हमारा सामाजिक सेवा वाला संसार, हमारे वैज्ञानिक कोई 13-14 प्रदेशों में फैले इस वन के, इस प्रजाति के अपने नामों को एकदम भूल गए हैं। जब भी इन वनों की चर्चा होती है, इनके अंग्रेजी नाम मैंग्रोव ही याद आता है और कोई दूसरा नाम नहीं। हमारे ध्यान में ये बात ही नहीं आती कि देश में कम इन प्रदेशों की भाषाओं में, बोलियों में तो इन वनों का कोई ना कोई नाम होगा, उनके गुणों की स्मृति होगी और उस स्मृति के कारण उनको बचाने की कोई परंपरा होगी। प्रसंगवश यहाँ यह भी जान लें कि मैंग्रोव शब्द भी अंग्रेजी का नहीं है, ये उस भाषा में भी पुर्तगाली से आया है। तटीय प्रदेशों से प्रारंभ करें अगर हम ये नामावली अपनी ज्ञान की, अपने विज्ञान की, तो पश्चिम में ऊपर गुजराती कच्छी में से चैरवू कहते हैं, फिर मराठी कोंकणी में खारपुटी, खारे पानी में जो जिसमें अंकुर फूट जाए, एक उसका थोड़ा कठिन नाम तिवर भी है। कन्नड़ में इसको कांडला काड्डू कहते हैं और कांडला पोर्ट तो गुजरात में है, तो इन दोनों के बीच में भी कोई तार जुड़ता होगा।
तमिल में सदप्पु नीलम काड है, तेलुगु में माडा आडवी है इसका नाम, उड़िया में बहुत अच्छा नाम है झाऊ वन, और बंगला में तो सभी ने सुना है सुंदरवन। एक नाम इसका मकर सिरा भी है, और हिंदी तो समुद्र के तटों से दूर माना गया है हिंदी प्रदेश। पर ऐसा नहीं होता कि जिस प्रदेश में जो नहीं है चीज उसका उस भाषा में कोई वर्णन न मिले। हिंदी प्रदेशों में हिमालय तो नहीं है, लेकिन हिमालय का नाम तो है। इसलिए समाज अपने से बाहर के भी नामों को ढूंढता है और उसको रखता है। हिंदी में इसे चमरंग वन कहते हैं। अब ये शब्द आपको हिंदी की डिक्शनरियों में, शब्दकोशों में भी नहीं मिलेगा, और तटीय इलाकों में जमीन पर भी नहीं मिलेगा। पर्यावरण को ठीक से जानने वाले बताते हैं कि आंध्र और उड़िया में, खासकर पारदीप वाले भाग में, चमरंग वनों को विकास के नाम पर खूब उजाड़ा है। इसलिए पारदीप में ऐसे ही एक चक्रवात में सन 2004 में बुरी तरह से तबाही हुई थी। उस तबाही को देखने के बाद जिम्मेदार लोगों ने कहा कि जंगल को दोष देना ठीक नहीं, वो तो कट गया, कट जाने दो, उसका पश्चाताप मत करो। एक मजबूत दीवार समुद्र और धरती के बीच में बना दी जाएगी, 5 मीटर चौड़ी होगी कंक्रीट की, ऐसी हमारे पास तकनीक है। कुछ ठंडे प्रदेशों को अपवाद छोड़ दे तो पूरी दुनिया में धरती और समुद्र के मिलने पर प्रकृति ने सुरक्षा के ख्याल से ये सुंदर हरी मजबूत दीवार, सुंदर लंबे चौड़े सुंदर बन खड़े किए थे। आज हम अपनी लालच में इन्हें काट काट कर इनके बदले 2-5 गज चौड़ी सीमेंट की कंक्रीट की दीवार खड़ी करके सुरक्षित रह जाएंगे, ऐसा सोचना हमारी मूर्खता होगी। ये कड़वा सबक हमें समय न सिखाए वही ठीक होगा। चौथी कक्षाओं में हमको ये पढ़ा दिया जाता है कि पृथ्वी पर कोई 70% भाग में समुद्र है और धरती यानी जमीन मात्र 30% है। समुद्र के सामने हम लोग नगण्य है। ये सुंदरबन चमरंग वन हमारी गिनती बनी रहे इस संसार में, इसकी सुरक्षा देते हैं। दीवारें खड़ी करने से समुद्र पीछे हट जाएगा, तटबंध बना देने से बाढ़ रुक जाएगी, बाहर से अनाज मंगवाकर बांट देने से अकाल दूर हो जाएगा। बुरे विचारों की ऐसी बाढ़, अच्छे विचारों के ऐसे ही अकाल से हमारा ये जल संकट बढ़ा है। आज हम जिस विभूति के पुण्य स्मरण में यहाँ एकत्र हुए हैं, उन्होंने अपने समय में, या कहें अपने समय से पहले, समाज का ध्यान ऐसी अनेक बातों की तरफ खींचा था। श्री गोखले से भेंट होने के बाद राजेंद्र बाबू कोई 52 बरस तक सार्वजनिक जीवन में रहे। उनका बचपन जिस गाँव में बीता था, उस गाँव में नदी नहीं थी, वे तैरना नहीं सीख पाए थे, ऐसा उन्होंने अपनी आत्मकथा में बड़े दुख से लिखा है। लेकिन इस 52 बरस के एक लंबे दौर में उन्होंने अपने समाज को, देश को अनेक बार डूबने से बचाया। अंतिम 12 बरस वे देश के सर्वोच्च पद पर रहे। जब वह निर्णायक भूमिका उनकी पूरी हुई तो सन 1962 के मई महीने में वे एक दिन रेल में बैठे और दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो गए, उसी सदाकत आश्रम के एक छोटे से घर में रहने के लिए, जहाँ से उन्होंने सार्वजनिक जीवन की अपनी लंबी यात्रा प्रारंभ की थी। उनकी पुण्य स्मृति में हम सबके प्रणाम, धन्यवाद। अकेले नहीं आते बाढ़ और अकाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्याख्यानमाला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर स्वर्गीय श्री अनुपम मिश्र का व्याख्यान। ये वर्ष 2013 में आयोजित व्याख्यानमाला का पुनः प्रसारण था। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।